बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मुश्ताक खरल, और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं यूट्यूब पे, और बारह एक ही क्वेश्चन वो कर रहे हैं कि एमए के पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के कब से शुरू हो रहे हैं। बावसुख जराया के मुताबिक जो एमए के पेपर हैं वो 20 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन भी आ रहा था कि क्या पार्ट वन के पहले होंगे या पार्ट टू के पहले होंगे। तो इंटर में आमतौर पर आपने देखा कि पार्ट टू के पहले होते हैं और पार्ट वन के बाद में होता है जो आपका एफएससी एफए का लेवल है। लेकिन यहाँ पर जो एमए का शेड्यूल है वो ये है कि सबसे पहले पार्ट वन के होंगे और उसके दो से तीन दिन के बाद पार्ट टू के पेपर शुरू हो जाएंगे। जो पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं वो ये ध्यान रख लें कि हर हफ्ते तीन पेपर होते हैं आमतौर पर। अगर मंडे पेपर है, फिर आपका वेंसडे है, तो उसके बाद आपका पेपर जो है वो फ्राइडे को होगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर में आपको तीन छुट्टियाँ मिलेंगी, फिर आपका दोबारा पेपर जो है वो फिर मंडे को होगा। तो आम तौर पर हर पेपर के अंदर एक छुट्टी, और हफ्ते में एक पेपर ऐसा होता है जिसमें दो या तीन छुट्टियां होती हैं। दूसरी सवाल ये पूछा गया है कि जो पेपर होंगे वो ऑनलाइन होंगे या मैनुअल होंगे। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, पेपर जो है आपके मैनुअल उसी तरह होंगे जिस तरह पहले हुआ करते थे, इससे पहले हुआ करते थे। इसमें 2020 के फर्स्ट एनुअल के स्टूडेंट्स भी पेपर दे रहे हैं और 2019 के सेकंड एनुअल के स्टूडेंट्स भी अपेयर्ड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट शेड्यूल दिसंबर तक आएगा, जिसमें अगले 2020 का सेकंड एनुअल के पेपर का शेड्यूल आएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एडमिशन भेज सकेंगे। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के हवाले से ताज़ा तरीन जो अपडेट है। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वसलम।